अस्सलाम वालेकुम दोस्तो, मैं थोड़ा भरा मियाँ मुहम्मद अफजल बट्टू, तो तुम देखते पे हो डिजिटल किसान पाकिस्तान। तो किसान वीर भराओ, मूंजी की फसल तो बाद कणक की बारी आ जाती है, तो बिजाइयां हो गई ने शुरू। तो महंगाई के इस दौर हर जमींदार कहता भी मेरा खर्चा घट हो, थोड़े खर्चे ना ही ना मेरी कणक रल जाए। तो दोस्तों, जे अगर खर्चा करना ना घट, फिर तुम जिस तरह बैक साइड के ट्रैक्टर है 240 मेसी, तो ये पिछे है जीरो ड्रिल, जीरो ड्रिल फेर दो। तो एक ही मतलब भी ना सी नाल तुहाडी जिहड़ी ना बिजाई हो जाएगी। तो साढ़े नाल किसान भाई मौजूद ने, उन्होंने नाल गलबात करने, पुछने भी बीज किन्ना पाते पैने, खाद किन्नी पाते पैने। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है? ठीक है, ठीक है। तो भाई जान, किन्नी खाद पाते पे हो? DAP बोरी बोरी। तो बीज किन्ना पाते पे? सवा मान है। सवा मान है। तो यह जी पराली पई है, ये इकट्ठी इंज करते आते पहले, कोई थले रह ना जाएगी? नहीं रेंज, पल फिर लम्बे मार लैन उत्ते हो जाए, रुके हेठ बीज हो जम पैंदा, बीज जम पे सीधा। बाद अग ला सोचा या इवें? नहीं, इवें पई रही सी, बार बार चुक तो सारे बाहर विचे पई रहे, विचे पई रहे, मतलब भी हाँ पई रहे, तो विचू पौधे उगर पे सन, उगर पे सन, चाह के बाहर सुट दई, तो फिर फायदा ही है, तो भी फायदा है, फायदा ही है। ड्राइवर ने जनाब एक साइड तो शुरू किया है, दो लाइना उन्होंने विछाइया ने, दो फेरे मारे ने, एक लाइन पूरी जनाब तुम वेखते पे हो, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਰਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹ ਰਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਡਿਸਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਜਨਾਬ 20 ਸੱਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ 2 ਰਲਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਤ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਬਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਧੂ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। तो मेरा ख्याल है भी जीरो ड्रिल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मैसी 240 थोड़े सामने है, तो उस्ताद ना गल करने रुकिया जी। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल ने? कितना को खर्चा करता पे मैसी? मैसी भी खर्चा करता पे सवा 3-4 3.25 लीटर तो लैके 4.25 लीटर का के। तो 1 किला किन्ने टाइम फेर लेंगे हो? 1 किला फेर जाता है जी 35-36 मिनट 36 मिनटों में। दो लाइना माशा लाई खड़े हो, पराली इकट्ठी करते पे हो, इनू मतलब भी आप बाहर सुटा के या पई रहे तो कोई रोला नहीं? नहीं जी, इन बाहर बन्नियां ते कढ़ना है, बन्नियां ते कढ़ा के फिर काम ठीक रह जाए। तो यह जो अपना मतलब 240 है, ये आसानी ना खिंच लेंदा ड्रिल? मैसी 240 जी पुराना मॉडल, 12 फाली हैगी है ड्रिल। अच्छा करो, जबरदस्त जी, 6 इंच थले जाने का बीज नार। अगर कोई बंदा इस तरह बुचड़ा च फेरदा ड्रिल, या जिन्हें जिंदगी पहली बार मुल तो किराई हो, मैं जनाब मुल तो कम करवाया, उन्होंने चाहिए कोई 15 दिन ना खेत वाली साइड दे ना आए, क्योंकि जो पहले 5-7 दिन आएगा अगर उन्होंने कोई जर्मीनेशन नज़र ना आई तो वह बड़ा हो जाए परेशान, वह कहेगा भी मैं कि रोले में पै गया, यह तो कोई कणक जमती नहीं पी, पता नहीं कदों जमेगी, परेशान हो जाए। तो जो 10 दिन तो बाद 15 दिन तक आएगा, तो जनाब आ जड़ा खेत है ना, ये हरा भरा लगेगा, जो हम इस टाइम
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ, ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਹਰਾ ਭਰਾ। जो पोजीशन चलती पी है खाद की, यूरिया लेनी हो या DAP लेनी हो, हकूमत कंट्रोल रेट से किसानों तक खाद पहुँचावन फेल हो चुकी है, क्योंकि डीलर माफिया जखीरा माफिया या तो उन्होंने गवर्नमेंट न मिली भगत है, अगर मिली भगत नहीं तो फिर वह इन्होंने तकड़े ने, क्योंकि जिन्ना गौरमेंट का रेट हैगा उस दे मुताबिक एक बोरी भी वेखन तक नहीं देंदे, साई महंगी देंदे ने इजाफी कीमत च। जिहड़ी यूरिया है वह 4400-4500 तक बोरी दे रहे हैं, DAP की 13,500-14,000 की बोरी दे रहे हैं, यह किसानों पर बई जुलम है। 2,000-15,500 रुपया इजाफी लैके वसूल करना किसानों को, फिर कहना जी जराई मुल्क है साडा, तो पाकिस्तान ज़रायत दे विच रीढ़ की हड्डी है, तो यह रीढ़ की हड्डी हकूमत तोड़न लगी हुई है। तो बड़ा अफसोस हुंदा है भी जो किसान जिहड़ा है किसान नूं इज्जत नहीं दित्ती जाती, किसान नूं जनाब लाइना च खड़ा किया जाता है, तो किसान नाल मतलब भी अनाज किसान पैदा करता है, अगर किसान पैदा ना करे अनाज ये लाइना च लगे होन दूसरे मुल्कां विच अनाज की खातर भी सानू अनाज जो भी साड़ी आवाम भुखा मरती है, लेकिन अफसोस इन्हों की पॉलिसी यह जी ने भी दूसरे मुल्क के किसानों को फायदा देते हैं, अपने किसानों इन्ना फायदा नहीं देना, तो अल्लाह तला इन्हें हिदायत दे जी पॉलिसिया बनाव वाले पॉलिसी साजा, तो मेरा ख्याल एक बार इन्हों लिया जाए खेतों के जेड़े बंद कमर पॉलिसिया बना देने, फिर उस तरीके जिस तरीके किसान वीर भरा आप पराली बहार सुटता पिया है, इन्होंने कही भी चल भी पुत्र पराली चा चा के बहार सुटो, तो लग इन्हों समझ जाए, लेकिन आवाम जी किसान इन्हों को जोड़ा है ना इतफाक नहीं हों पिया, जो इन्हों का इतफाक हो गया इन शाला तला जिस तरीके चढ़ते पंजाब वाले किसानों ने अपना हक लिया है उस तरीके जनाब साढ़े किसान भी अपना हक जरूर लवनगे। तो कल एक मैं वीडियो इंडिया की वेखी है उत्तर अग ला दे पैसे ने, हाँ उधर भी जुर्म है उन्होंने किसान इकट्ठे हो गए ने वे अफसर पकड़ के उन्होंने चल भी पुत्र ला आके उन अथू अग लगवाई है उन्होंने, साढ़े पास किसानों के परचे आ जाते हैं, किसान तरीका भुगतते हैं, तो कोई किसान भी नहीं सुनता। तो हुण मैनू दिओ इजाजत इस दुआ दे नाल भी तुसीं सारे इतफाक करोगे तो असीं अपना हक लवेंगे, तो ज़खीरा अंदोज़ा तो जान छुड़ावेंगे, तो मैनू दिओ इजाजत, तुहाडा ब्राह मियां मुहम्मद अफजल बट्टू, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।